चलिए बात करेंगे चंद्र बाबा टूर के की। करवा चौथ की छलनी से सिर्फ चांद नहीं बल्कि देश की बुलंदी भी दिखेगी। अब बच्चे सिर्फ चंद्र मामा दूर के नहीं बुलाएंगे बल्कि चांद की तरफ देखकर अपने भविष्य के सपने भी पूरा कर सकेंगे। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर अपने कदम रख दिए। चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग कर दी है। यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना और इसरो के वैज्ञानिकों की मेहनत रंग ले आई है। अब पूरी दुनिया ही नहीं चांद भी भारत की मुट्ठी में है। इसरो ने चांद पर परचम लहरा दिया है। भारत का नाम अब दुनिया के उन 4 देशों में जुड़ गया है जो सॉफ्ट लैंडिंग में एक्सपर्ट हैं। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के पीछे वैज्ञानिकों की मेहनत के साथ साथ करोड़ों लोगों की प्रार्थना भी काम कर गई। चंद्रयान महाअभियान एक और अद्वितीय कामयाबी। देश के प्रधानमंत्री जी को कोटि कोटि बधाई, इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई और उन सारे वैज्ञानिकों को बधाई जो इस महाअभियान में बरसों से लगे थे। अब अंतरिक्ष के अंदर भारत की शानदार चमक और धमक है। आज वो सारे मिथक दूर हो गए। अब अंतरिक्ष की दुनिया में भी भारत दुनिया का सिरमौर बन गया। वैज्ञानिकों को बधाई, हमारे लिए गौरवपूर्ण क्षण। चारों ओर पटाखों की धमाकों के बीच में देशवासियों को, प्रदेशवासियों को, चूरूवासियों को इस चंद्रयान महाअभियान की सफलता के लिए कोट कोट बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखिए तस्वीरें हैं, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा किस तरह से ताली बजाते हुए दिखाई दिए। ये वो पल था जिसका इंतजार था हर भारतवासी को। 6:04 का वक्त तय किया गया था। आगे बढ़ेंगे राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 के उद्घाटन समारोह और मैच के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और माननीय राज्यपाल कलराज मिश्र को निमंत्रण दिया गया। इस दौरान राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी सदस्य और आरसीए सलाहकार रिटायर्ड आईएएस जीएस संधू भी मौजूद रहे। जयपुर में सिरोही पीजी कॉलेज के विद्यार्थियों ने राजभवन में संविधान पार्क का भ्रमण किया। इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और कहा कि संविधान सिर्फ कानून, राजनीति और लोक प्रशासन से जुड़े लोगों का विषय नहीं है बल्कि आमजन को भी संविधान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने आमजन में जागरूकता लाने का आह्वान किया। इस दौरान राज्यपाल के साथ विधायक संयम लोढ़ा भी मौजूद रहे। बीकानेर में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने राजीव गांधी केंद्र से 2 LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी और लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, इसके मद्देनजर इनका व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। जनसंपर्क विभाग के सहायक निदेशक हरिशंकर आचार्य ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार वैन का रूट चार्ट निर्धारित कर दिया गया। वैन पहले चरण में श्री डूंगरगढ़ और लूणकर अंसर क्षेत्र में योजनाओं का प्रचार प्रसार करेगी। इस दौरान भूदान बोर्ड अध्यक्ष लक्ष्मण कड़वासरा, संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया, जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल, मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर गुंजन सोनी, PBM अधीक्षक डॉक्टर PK सैनी सहित कई लोग मौजूद। भरतपुर में तकनीकी मंत्री सुभाष गर्ग ने गांधी पार्क के एक चौपाटी का शुभारंभ किया। 45 लाख की लागत से निर्मित इस चौपाटी में 9 दुकानें बनाई गई। इन दुकानों में अलग अलग स्वाद से भरपूर शुद्ध वस्तुएं सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ग्रुप की ओर से किया जाएगा। इस मौके पर मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि अधिकारियों ने कम वक्त में चौपाटी का निर्माण कराया है, इसके लिए उनको बधाई हो। इस चौपाटी की भरतपुर
वासियों को काफी समय से जरूरत। वहीं जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कहा कि नगर निगम और नगर विकास न्यास शहर सौंदर्यकरण के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। भरतपुर की चौपाटी का भी आज शुभारंभ किया गया है। मैं समझता हूँ ये एक नया रास्ता खोलेगी भरतपुर में, और हमारे यहाँ के स्थानीय नागरिक हैं उनको, या बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग लोग हैं, यहाँ आकर के जो भी, मैं ये कहना चाहूंगा इनके एनजीओ से जो चला रहे, शुद्ध खाना मिले, मिलावट नहीं हो, हाइजीनिक फूड हो, और सफाई का बड़ा ध्यान रखें। सफाई बिल्कुल ऐसी है कि इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि सफाई का ध्यान रखें। लोग आए तो उनको लगा कि बड़ा बढ़िया प्लेस है सफाई। जैसलमेर में जोधपुर के पुलिस रेंज आईजी जयनारायण शेर एक दिवसीय दौरे पर पोखरण पहुंचे, जहां आईजी जयनारायण का स्थानीय पुलिस अधिकारियों ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। वहीं पोखरण फोर्ट में आईजी जयनारायण को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने पोखरण के लाल किले का अवलोकन किया, जहाँ मुगल कालीन नक्काशी को देखकर आईजी शेर अभिभूत हुए। इस दौरान नारायण शेर ने प्रेस वार्ता भी की, जिसमें उन्होंने रामदेवरा मेले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जो भी श्रद्धालु यात्रीगण यहाँ पे रामदेव जी महाराज के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, इनका सुरक्षित दर्शन हो, सहज दर्शन हो, इसके लिए पुलिस की तरफ से माकूल व्यवस्थाएं की जाएंगी, और इस हेतु हमने आज विशेष बैठक रखी है। यात्रीगण जो पैदल लंबी दूरी से चल के आ रहे हैं, तो मार्ग के यात्रा के दौरान दुर्घटना ही नहीं हो, इस हेतु विशेष पेट्रोलिंग पार्टीज लगाई जाएंगी, और जो पैदल यात्री जो आ रहे हैं उनको जो विश्राम स्थल बने हुए हैं वो सेफ डिस्टेंस के ऊपर हों, ताकि किसी प्रकार की सड़क दुर्घटना नहीं हो। चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे देते हैं। ट्रेन की चपेट में आने से माँ बेटी की दर्दनाक मौत हुई। बेरज पुलिया के पास ट्रेन की चपेट में आने से मौत हुई। रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही थी माँ और दो बेटियां, गंभीर रूप से घायल हुई एक बेटी का जिला अस्पताल में जारी है उपचार। हादसे में गांव खराटा निवासी 35 वर्षीय मीरा और 5 वर्षीय उनकी पुत्री पुष्पा की मौत हो गई, जबकि बड़ी बेटी जिसका नाम अंजलि है उसका जिला अस्पताल में उपचार जारी। फिलहाल सदर थाना पुलिस भी मौके के लिए रवाना हुई, और हादसे की वजह देखिए बताया जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही थी माँ बेटी और इस वजह से शिकार हो गई हादसे का, ट्रेन की चपेट में आ गई एक बेटी जो कि अभी भी जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रही है। बेहद दुखद ये हादसा, क्योंकि 5 वर्षीय मासूम बालिका की भी जान चली गई। रेलवे ट्रैक के किनारे चल रही थी माँ और दो बेटियां। हालांकि आखिरकार क्यों रेलवे ट्रैक के किनारे चलने की नौबत आई और ये माँ बेटियां इस तरह से वहां से क्यों गुजर रही थी, लगातार सवाल बने। जयपुर के विद्याधर नगर थाना प्रभारी अजय कांत रटूड़ी ने डकैती की योजना बनाते 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया। जहां पुलिस ने बदमाशों से चोरी के 6 वाहन, 24 मोबाइल, धारदार छुरा, पेचकस और 3 थैली मिर्च पाउडर बरामद किए। बदमाश विद्याधर नगर के सेक्टर 4 में झाड़ियों की आड़ में बैठे थे, जहां किसी संगीन वारदात को अंजाम देने की फिराक में। सूचना मिलते ही विद्याधर नगर थाना प्रभारी अजयकांत रटूड़ी और इंस्पेक्टर दिलीप सोनी ने घेराबंदी कर दबिश दी और बदमाशों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस बदमाशों से पूछताछ में जुटी। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे कोचिंग छात्र ने डिप्रेशन में आकर टैबलेट की ओवरडोज ली। छात्र गुलशन राजपूत को बेहोशी की हालत में दोस्तों ने अस्पताल में भर्ती कराया। छात्र गुलशन, जो कि बिहार का रहने वाला है, 2018 से कोटा में रहकर कोचिंग कर रहा था। बुखार होने पर गुलशन ने ज्यादा टैबलेट ले ली थी, जिसे बेहोश हो गया। फिलहाल कुल्हाड़ी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कैसे क्या बता सकते हैं सर, टेस्ट का डिप्रेशन हुआ हो, उसी वजह से कुछ हुआ होगा, डिप्रेशन की वजह से टैबलेट खाई। कौन सी टैबलेट खाई है इसने, बता दो रहा पारासीटामोल। ये कब से कोचिंग कर रहे थे यहाँ पे? पिछले 2 साल एलएन का किया था, उसके बाद फिर 1-2 साल सेल्फ स्टडी की थी, फिर अभी एलएन में टेस्ट लेने का सोच रहा था। अच्छा। झुंझुनू में नौकरी लगाने का झांसा देकर ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया, जहां जीएसटी टीम की लगातार फर्जी फर्मों पर कार्रवाई के दौरान टीम ने 3 फर्मों की 25 लाख से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ ली। इस दौरान विभाग के संयुक्त आयुक्त सुनील मील ने बताया कि फर्जी दस्तावेज से फर्जी फर्म बनाकर जीएसटी में फर्जीवाड़े के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं,
झुंझुनू जीएसटी टीम ने 8 माह में करीब 1,25,00,000 रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी है। वहीं फर्मों के विरुद्ध कार्रवाई कर टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने वाले व्यापारियों से वसूली भी की जाएगी। तीन फर्जी फर्मों को की पहचान कर उनके पंजीयन है वो निरस्त कर दिए हैं। पिछले 8 महीने में जनवरी के बाद से हमने कुल 6 फर्जी फर्मों को पकड़ा है और जिन्होंने करीब 1,25,00,000 की बोगस ITC है डिफरेंट डीलर्स को पास ऑन की है। हम उस फर्जी ITC जो पास ऑन की है उसकी रिकवरी के लिए हमने कंसर्न जुडिशियल अथॉरिटीज़ को लेटर्स लिख दिए हैं। अलवर के अखेपुरा में किन्नर को धमकी देने का मामला सामने आया, जहां धमकी मिलने के बाद किन्नरों ने SP कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान किन्नर राखी बाई ने बताया कि लक्ष्मणगढ़ का किन्नर दिलरुबा आए दिन गाड़ी में भरकर बदमाशों को लाकर धमकी देता है और बधाइयां मांगता है। इस संबंध में किन्नर पंचों की बैठक भी हुई जिसमें निर्णय को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि राजा महाराजाओं के समय से यहाँ किन्नर बस्ती में रह रहे हैं, जहां हमें आए दिन पीटने और मरवाने की धमकी देता है। वहीं किन्नरों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इसके साथ ही पुलिस ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। मारने की पीटने की और हमारी बधाइयां जबरदस्ती उठा के ले जाता है और कहता है कि हम अलवर के मालिक हैं, हमारे बुजुर्गों के ज़माने से चमेली दादी हीरा दादा जी थे हमारे, उस ज़माने के हम लोग किन्नर लोग हैं, है ना। तो हमको बहुत धमकी देता है, बहुत परेशान करता है, जीना हराम कर रखा है उसने कि तुम सब भागो यहाँ से और मैं तो मेयो का हूँ और मैं यहीं रहता हूँ, मैं यहीं का बच्चा हूँ, मेरे मामा रहते हैं सामोले में, तो वो उनकी धौंस देता है, कभी अपने भाइयों की धौंस देता है और हमको सताता है हर जगह। समस्या ये है, एक लक्ष्मणगढ़ का किन्नर है जिसका नाम दिलरुबा है, वो गाड़ी भर भर के गुंडे लेके आता है, हमारे समुदाय वालों के ऊपर हल्ला करता है, जबरन हमारे इलाके में घुसता है, हमारे क्षेत्र में घुस के बधाई मांगता है, हमें मारने की हमें धमकी देता है। मुकुंद्रा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में बसे झालावाड़ जिले के मशालपुरा गांव के लोग विस्थापन की तैयारी में लगे हैं और एक बार फिर से जल्द ही मुकुंद्रा में बाघों की गूंज सुनाई देगी। विस्थापन के लिए सरकार ने मुआवजा भी देना शुरू कर दिया है। मशालपुरा गांव में 197 परिवार निवास करते थे जिनमें से 121 परिवारों को मुआवजा मिल गया। कई परिवार अब बसे हैं जिनका सर्वे रिपोर्ट में नाम नहीं है या फिर राशन कार्ड में 18 साल की उम्र मांगी गई जिसके आधार पर मुआवजे की बात सामने आई, अब 21 साल कर दिया गया है। कई युवक फिर से सर्वे कराने की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें भी इसी कड़ी में मुआवजा मिल सके। 25 परिवार है जिसको मुआवजा नहीं मिला, उसने कागज नहीं दिया अभी तक, बहुत सारा को 21 डिब्बी मिल गई और कोई जिसका पैसा डल गया वो यहाँ से चले गए और इसका घर बाहर जो दसा दे गवर्नमेंट ने पर ताकि ये 15,00,000 में उनका गुजारा नहीं चलेगा। आज ये 18 साल का लड़का ये कल से घर गृहस्थी हो जाएगा तो इनको कौन पैसे देगा, इसका गुजारा कैसे चलाएगा। हमारा तो हमने मांगे पूरी करी थी, जयपुर कागज लिख के भेजा था, उनमें भी सरकार ने हमको आधी दी आधा नहीं दिया क्योंकि हमने तो 35,00,000 का लिख के भेजा था, उन्होंने 15 ही दिया, उसमें हमारा कोई गुजारा नहीं चल रहा। 8 लाख रुपया मिलने चाहिए जब जा कर हम यहाँ से निकलेंगे तो, वरना यहाँ से निकलेंगे हम खेती घुआएंगे और खाएंगे, चाहे सरकार कुछ भी करो। पुरानी टोंक थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की और महज कुछ ही घंटों में एक युवक और महिला को मुक्त करवा लिया, साथ ही एक स्ट्रीटर सहित 3 अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया। SP राष्ट्रीय राज वर्मा ने बताया कि पीड़ित युवक से महिला ने लिफ्ट मांगी थी, इसी दौरान बदमाशों ने उनके सामने अपनी बाइक लगाकर जंगल में ले गए, वहां जान से मारने का भय दिखाकर अश्लील वीडियो भी बना लिया और 5 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। पुलिस के मुताबिक महिला का पीड़ित युवक और बदमाशों से कोई भी जो कि जानकारी अभी मिल रही है कोई संबंध नहीं है, फिर भी पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। SHO पुरानी टोंक के नेतृत्व में इस टीम ने आसपास के जो पहाड़ी और जंगल थे और फायरिंग रेंज था, जो हमारे पास सूचना आई थी कि फायरिंग रेंज के आसपास आरोपियों के होने की खबर आई थी, तो फायरिंग रेंज पर और उसके आसपास जंगलों में और पहाड़ियों पर दबिश दी गई और सघन एक छानबीन के बाद 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया फायरिंग रेंज से।
साथ ही साथ जो अपहृत युवक था और जो महिला थी उनको भी सकुशल दस्तयाबी की गई। जोधपुर में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर कमिश्नर रविदत्त गौर और डीसीपी गौरव यादव के निर्देशन में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली, जहां पुलिस ने फर्जी सब इंस्पेक्टर को 10 किलो अफीम और 241 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने गाड़ी में फर्जी वर्दी भी बरामद की। इस दौरान डीसीपी गौरव यादव ने प्रेस वार्ता कर बताया कि अपराधी बड़ा ही शातिर है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि नाकाबंदी होती तो वह खुद को सब इंस्पेक्टर बताता और पुलिस वालों की पोस्टिंग संबंधित जानकारी रखता था ताकि कोई शक ना करे। इसके साथ ही अपराधी माल नीमच से लेकर आता था और जिसकी बाड़मेर में डिलीवरी करनी थी, वही पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुट गई है। ये जो प्रारंभिक पूछताछ हुई उसमें ये पता चला है कि इसकी नॉर्मली दो तरीके की मोटस ऑपरेंडी रहती थी। पहली चीज कि ये कोई कहीं पे पुलिस की नाकाबंदी वगैरह मिलती थी तो खुद को ये सब इंस्पेक्टर भी बताता था और ये नॉर्मली पुलिस वालों की पोस्टिंग्स वगैरह की जानकारी रखता था ताकि किसी को अगर बताया तो कन्विंसिंग सा लगे। और दूसरा इसका मोटस ऑपरेंडी था भेस बदल कर कई बार बाबा का भेस ले लेता था या कोई और भेस ले लेता ताकि लोगों को शक नहीं। जो अभी तक बात आई है ये नीमच साइड से ये ले आया है और इसका जो फाइनल डिलीवरी थी वो बाड़मेर जिले में संभवतः कहीं पर डिलीवरी करने की। अलवर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग बालक से कुकर्म के मामले में फैसला सुनाया और दोषी को 20 साल की सजा सुनाते हुए 20,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। विशेष लोक अभियोजक अनूप खटाना के मुताबिक दोषी ने नाबालिग बालक की मानसिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसके साथ कुकर्म किया था। श्रीमान है हेमंत सिंह जी बघेला, पीठासीन अधिकारी पॉक्सो संख्या 4 द्वारा एक भिवाड़ी फेज 3 से संबंधित मामला था, थाने से संबंधित मामला था जिसमें आरोपी रामचरण को 20 साल का कठोर कारावास व 20,000 रुपये से जुर्माने से दंडित किया गया है। पारिवारिक न्यायालय क्रम 4 महानगर प्रथम ने दिल्ली में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर पति को निर्देश दिए हैं कि वे अपनी पत्नी को भरण पोषण के तौर पर हर महीने 22,500 रुपए की राशि 22 सितंबर 2021 से दे। यह आदेश पारिवारिक न्यायालय क्रम 4 महानगर प्रथम में जज पवन कुमार गर्ग ने आदेश पत्नी के भरण पोषण प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए दिए। कोर्ट ने कहा कि जब पति खुद का स्टेटस मेंटेन रखने के लिए लोन लेकर आईफोन का उपयोग कर रहा है तो उसे पत्नी को भी अंतरिम भरण पोषण की राशि देनी चाहिए। प्रार्थिया पत्नी को भरण पोषण राशि देने से बचने के लिए ही पति ने 15 लाख रुपए का लोन व आईफोन लोन पर भी लिया, लेकिन इसके लिए उसने अपने बैंक खातों का कोई विवरण पेश नहीं किया। ऐसे में प्रार्थी पति का अपनी आय कम दिखाने के लिए ही लोन लेना बताया जाना प्रतीत होता है। सितंबर 2021 में भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र माननीय पारिवारिक क्रम संख्या 1 में प्रस्तुत किया गया था जो हाईकोर्ट के आदेश से स्थानांतरण होकर फैमिली कोर्ट नंबर 4 में गया। इसमें प्रार्थिया ने बताया कि उसकी शादी फरवरी 2020 में विपक्षी के साथ हुई थी और दहेज व अन्य कारणों के कारण उसे मारपीट कर मई 2021 में घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद इसने प्रार्थना पत्र में बताया कि विपक्षी नर्सिंग ऑफिसर दिल्ली में कार्यरत है। राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र चौपाल का आयोजन किया गया। विवेकानंद पार्क में आयोजित इस कार्यक्रम में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शिरकत की। वहीं छात्र चौपाल में छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारी भी मौजूद थे। जो आज ये कार्यक्रम रखा उस टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। करौली से खबर है, पांचना बांध के 2 गेट खोलकर जल निकासी की गई। फर्स्ट इंडिया ने सुबह ही संकेत दे दिए थे गेट खोलने के। सिंचाई विभाग अधिशासी अभियंता सुशील गुप्ता ने बटन दबाकर खोले हैं गेट। बांध से की जा रही 2400 क्यूसेक पानी की निकासी। बांध का 2 नंबर और 4 नंबर गेट खोलकर जल निकासी की जा रही है। बांध का जलस्तर 258.40 मीटर पहुंचने पर शुरू की गई है जल निकासी। बांध की कुल भराव क्षमता को अगर देखा जाए तो 258.62 मीटर क्षमता है और अब ये तस्वीरें जल निकासी के दौरान की।